बहुत बहुत भगवान के चरणों में नमन करती हूँ। शिक्षा की ज्योति जलाने वाले माननीय महात्मा फुले, शिक्षा की अध्यापक पहली महिला सावित्री बाई फुले के चरणों में कोट कोट नमन करती हूँ। बहरों को कान, गूंगों को जबान, गांधी जी को प्राणदान, भारत को संविधान, ऐसे शख्सियत बियाद अम्बेडकर के चरणों में नमन। सोती हुई कौम जगाने वाले माननीय कांसीराम साहब के चरणों में नमन। यूपी की चार बार मुख्यमंत्री बहन मायावती के चरणों में नमन। हमारे मंच पर विराजमान सभी को साधारण जय भीम। दूर दराज से आई माताएं बहनाएं पिता तो सभी को जय भीम। मैं माता सावित्री बाई को थोड़ा बोलूंगी कि माता सावित्री बाई मात्र 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष की थी उस समय महात्मा गांधी जी को, महात्मा फुले जी 13 वर्ष के थे, तब दोनों की शादी हो गई थी। शादी में शर्त रखी गई थी, ऐसे नहीं शादी हो गई थी। महात्मा फुले जी ने कहा था कि हम आपसे शादी कर लेंगे, लेकिन 3 शर्तें मान होंगी हमारी। 13 वर्ष की बच्ची की होगी कि पहली शर्त हमारी ये है कि आप पढ़ी नहीं है, हम आपको पढ़ाएंगे। तो 13 वर्ष की बच्ची कहती है हाँ हम पढ़ेंगे। फिर शर्त रखी है कि आप बच्चा पैदा नहीं, हम करेंगे, ये भी मंजूर है। बम, ऐसी महिला कोई होगी? कभी नहीं सोचा कि आप लोग, अगर जिसके बच्चा नहीं होगा उसको आप कहोगे हम बच्चे की उसी शादी कराएंगे। धन्य ऐसी माँ। तीसरी शर्त यह है कि आपके ऊपर कोई भी अत्याचार करे लेकिन मुझे नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? क्यों नहीं बताना? इसलिए नहीं बताना कि अत्याचार अगर दुश्मन करेगा तुम पे तो मुझ पे सहन नहीं होगी, इसलिए आप खुद सुजान मान लीजिए। शादी हो जाती है और माधव फुले जी पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। सावित्री बाई जी पढ़ जाती हैं, पढ़ के फिर क्या सोचती हैं कि दबे कुचले हुए बच्चे ये पीछे हैं, इस समाज को हम कैसे आगे ले जाएं, क्या करें। एक स्कूल खोलती हैं और सारे बच्चों को बैठ के पढ़ाती हैं। लेकिन जब माँ उन बच्चों को पढ़ाती हैं और हमारी कुछ महिला उसमें कीचड़ मारती हैं, क्या कोई गलत काम कर रही थी? लेकिन आपके बच्चों को आगे बढ़ा रही थी। तो मैं आपसे एक बात सावित्री बाई के बारे में पढ़ाकर आगे बढ़ा दिया, आप लोगों को शिक्षा दी, आगे बढ़ाया, लेकिन आपने विकास क्या किया? बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देती भाई, अपना पेट बांध लीजिए। सावित्री बाई एकदम रोटी नहीं खाया करती थी, लेकिन अपने बच्चियों को, सावित्री बाई के नहीं थे लेकिन आप लोगों के बच्चे थे, उनको खिलाती थी। तो आप क्यों नहीं कर ऐसा करती हैं? आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं मालूम है आपको? उस स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती है। क्या मिलता है? रोटी। कैसी? हाँ, ये तो बेटा का पेट भरा हो तो भी अच्छा है, हाँ खाली। और वो भी क्या है, सुबह बच्चा जाता है जस्ट स्कूल के सामने खाना बनता है जहाँ बच्चे क्लास लगा रहता है। बच्चे का ध्यान किस पे रहता है? खाने पर। बच्चे खाने के लिए कटोरी में जाते रहते, लेकिन माँ को कभी यह ध्यान नहीं आता कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, इस
अपने बच्चों के साथ में ऐसा ही करेंगे, कॉपी पेन ले जाएंगे और देखेंगे, चेक भी करेंगे। करोगी? एक बात और है हमारी, आप लोगों से सर हाथ उठाए कि आप कहिए कि हम आपकी बात मंजूर है। आप बोले तो बोलूंगी, नहीं नहीं बोलूंगी मैं। बोले मान करोगी दिल से कि कैसे कह दिया? तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी ने भी बोला था, मैं भी बोल रही हूँ। आज की डेट में वर्तमान में क्या चल रहा है? भांजे को टिपन भर के पेड़ा खिला, गलत है? तो जिन चीजों पे आप ध्यान क्यों देती हैं? एक न एक छोटी पोटली लटकती रहेगी और आप लोग उसी में उलझी रहेंगे। मानोगी अंधविश्वास को? कि सबसे पहला शिक्षा से बड़ा कोई आपका मंदिर नहीं है। आज भी मैं जो खड़ी हूँ ये किसी देवी देवता की देन नहीं, मैं कहती हूँ आपसे B.R. अम्बेडकर की, सावित्री बाई माता की, महात्मा फुले की जी की, और कांसीराम जी की बहन मायावती की, और जिसने मुझे जन्म दिया है, और सभी लोगों को। इसलिए मैं मंच से आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ। मैं दो और अपनी, क्योंकि समय के हिसाब से चलूंगी, कि आज नेता पता नहीं माता सावित्री बाई, महात्मा फुले जी, B.R. अम्बेडकर, कांजीराम साहब, बहन मायावती जी को गालियां क्यों देते? 172 वर्ष हो गई गालियां देते। मुझे ये समझ में नहीं आया क्यों देते, और उनके लोग भी देते, ये बात सत्य है। इसलिए देते हैं वो गालियां क्योंकि बहन मायावती भी आज भी हमारे समाज दबे कुचले सभी को सम्मान की बात करती हैं। गरीब दिन ब दिन रात गरीब होता ही चला गया। एक शायर ने शायरी लिखी है कि गरीबी मिटाने की सिर्फ बातें ही बातें हैं, गरीबी मिटाने की सिर्फ बातें ही बातें हैं, जो दौलत के भूखे हैं वो क्या गरीबी मिटाएंगे? हमारा लहू उनकी कारों का डीजल है, अगर गरीबी मिट गई तो कोई रिक्शा चलाएंगे क्या? इसलिए गरीबी नहीं मिटना चाहते। साथियों, यहाँ पर बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। यहाँ पर हमारे M.R. रायपुरिया जी को मैंने अभी देखा है, इधर बैठे हैं, विराजमान है, जिन्होंने मानवर कांसीराम जी के ऊपर PhD की है, डॉक्टर मायाराम रायपुरिया जी, मैं उनके कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। और साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने भारतीय संविधान को जो बनाया है वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हम उन्हीं के बदौलत पढ़ लिख करके हमारे लोग MP MLA बहन मुख्यमंत्री बनी, सारी चीजें ये हम लोग जानते हैं। ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच में एक और पैदा हुई है, मानवर कांसीराम जी, जिन्होंने हमको, हम जानते भी नहीं थे, हमारे लोग जय भीम करते थे बस, उसके बाद कुछ नहीं जानते थे। मानवर कांसीराम जी ना होते तो आज हमें आज तक घोषणा आए होते। मानवर कांसीराम जी ने मुझे होश दिलाया है, और माता बहनों को जो सम्मान दिलाया है, जो बहन जी ने जो सम्मान दिया है वो आपके काबिले तारीफ है। आप ज्यादा न कहते हुए मैं रात को आपके बीच में रुकूंगा और समय भी दूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बताए। माफी चाहूंगा, उससे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय बुद्ध जी को, और माफी इसलिए चाहूंगा कि मैं कह चुका था कि ये अंतिम वक्ता होंगे, इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि बोलेंगे, लेकिन बीच में ये गुजारिश आई, सिर्फ एक मिनट का समय दिया जा रहा है। आदरणीय भगवती प्रसाद काफी दूर से चलकर आए, कदम परा से आए, भगवती प्रसाद जी आए और अपनी एक मिनट में ही बात रखें। आदरणीय भगवती सर्वप्रथम द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक
परम पूज बाबा साहब को प्रणाम करते हुए मंच पे उपस्थित हमारे पूज गुरुजी जेपी सर एवं हमारे श्री हमारे प्रिय जी पितातुल बुजुर्गो साथियों साथियों जिस स्टेज पर आज हम खड़े हैं और उस स्टेज के लिए बाबा साहब कदम कदम पर लड़े हैं। साथियों जो आपकी जेब में चमचमाता पेन है या किसी और की नहीं बल्कि बाबा साहब की देन है। साथियों लोग कहते हैं कि दलितों का योगदान भारत स्वतंत्र कराने में नहीं रहा, मैं बताता हूँ जो जेपी सर ने हमें बताई है लगने को मैं आज बताता हूँ आप लोगों को सामने कि झांसी की रियासत में घमसपर थी झलकारी और नारी के वेश में थी वो उस समय की चिंगारी। रानी चलावे राज और जोहर दिखावे झलकारी और गोरे में घेरी झांसी तो मैदान जंग झलकारी। होके औरत भले काम मर्दों के करे उसका दंगल में जाना कठिन काम है, कर गए जो सफर नाम कर गए अमर उनका किस्सा सुनाना कठिन काम है। साथियों ऐसा ही नहीं सबसे पहले नारियों किसने पढ़ाया था, सबसे पहले नारी को महात्मा फुले में पढ़ाया था और बुझे हुए दीप को फिर से जगाया था। तो माली के घर में एक सख्त हुआ तूफानी और एक रात एक बारात में एक बात हुई अनजानी। बाबा फुले के दिल और दिमाग में पड़ी परेशानी और शिक्षित यदि जे होते तो करते ना ऐसी गलतानी। ते जल का प्रभाव कदली मिशन भाव इनको रास्ता दिखाना कठिन काम है, कर गए जो सफर नाम कर गए अमर उनका किस्सा सुनाना कठिन काम है। साथियों बस मात्र एक पंक्ति कहूंगा कि ऐसे ही बाबा भीम दीन दुखियों के हकीम हुए, उस संविधान लेकर के बाबा धरती में लीन हुए, एक और लाख दुश्मन और एक और बाबा भीम हुए और चटा के धूल दुश्मन को सबके ऊपर आसीन हुए। बाबा कर गए सफर नाम कर गए अमर उनके कदमों पे चलना कठिन काम है, जो कर गए सफर नाम कर गए अमर उनका किस्सा को सुनाना कठिन काम है। साथियों मैं इसी बात को राम देता हूँ, जय भीम जय हूँ। बहुत ही जोशीले अंदाज में भगवती प्रसाद कदम परासर चलकर आए अपनी बात रखते हुए, निश्चित रूप से सच्चाई कही उन्होंने। अब वो समय आ गया जिसका आपको काफी लंबे समय से इंतजार था। मैं एक बार पुनः गरीब दिन बाद दिन रात गरीब होता ही चला गया। एक शायर ने शायरी लिखी है कि गरीबी मिटाने की सिर्फ बातें ही बातें हैं, गरीबी मिटाने की सिर्फ बातें ही बातें हैं, जो दौलत के भूखे हैं वो क्या गरीबी मिटाएंगे। हमारा लहू उनकी कारों का डीजल है, अगर गरीबी मिट गई तो कोई रिक्शा चलाएंगे क्या, इसलिए गरीबी नहीं मिटना चाहते। साथियों यहाँ पर बहुत बुद्धिजी भी लोग बैठे हैं, यहाँ पर हमारे एमआर रायपुरिया जी को मैंने अभी देखा है, इधर बैठे हैं विराजमान है जिन्होंने मानवर कांसीराम जी के ऊपर पीएचडी की है, डॉक्टर मायाराम रायपुरिया जी, मैं उनके कृतज्ञ हूँ आभारी हूँ। और साथियों परम पूज बाबा साहब ने भारतीय संविधान को जो बनाया है वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हम उन्हीं के बदौलत पढ़ लिख करके हमारे लोग एमपी एमएलए बहन मुख्यमंत्री बनी, सारी चीजें ये हम लोग जानते हैं। ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच में एक और पैदा हुई है मानवर कांसी राम जी, जिन्होंने हमको हम जानते भी नहीं थे, हमारे लोग जय भीम करते थे बस उसके बाद कुछ नहीं जानते थे। मानवर कांसी राम जी ना होते तो आज हमें आज तक होश ना आए होते। मानवर कांसी राम जी ने मुझे होश दिलाया है और माता बहनों को जो सम्मान दिलाया है, जो बहनी ने जो सम्मान दिया है वो आपके काबिले तारीफ है। आप ज्यादा न कहते हो, मैं रात को आपके बीच में रुकूंगा और समय भी दूंगा। जय भीम जय भारत नमो बताए। माफी चाहूंगा, उससे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय बुद्ध जी को, और माफी इसलिए चाहूंगा कि मैं कह चुका था कि ये अंतिम वक्ता होंगे, इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि बोलेंगे, लेकिन बीच में ये गुजारिश आई सिर्फ एक मिनट का समय दिया जा रहा है। आदरणीय भगवती प्रसाद काफी दूर से चलकर आए, कदम परा से आए, भगवती प्रसाद जी आए और अपनी एक मिनट में ही बात रखें। आदरणीय भगवती प्रसाद
सर्वप्रथम द सिंबल ऑफ नॉलेज ज्ञान के प्रतीक परम पूज बाबा साहब को प्रणाम करते हुए मंच पे उपस्थित हमारे पूज गुरुजी जेपी सर एवं हमारे श्री एम आर अपुरिया जी पितातुल बुजुर्गो साथियों साथियों जिस स्टेज पर आज हम खड़े हैं और उस स्टेज के लिए बाबा साहब कदम कदम पर लड़े हैं। साथियों जो आपकी जेब में चमचमाता पेन है यह किसी और की नहीं बल्कि बाबा साहब की देन है। साथियों लोग कहते हैं कि दलितों का योगदान भारत स्वतंत्र कराने में नहीं रहा, मैं बताता हूँ जो जेपी सर ने बताई है लगने को मैं आज बताता हूँ आप लोगों को सामने कि झांसी की रियासत में घमसपर थी झलकारी और नारी के वेश में थी वो तुम्हारी की चिंगारी। रानी चलावे राज और जोहर दिखावे झलकारी और गोरे में घेरी झांसी तो मैदान जंग झलकारी। हो के औरत भले काम मर्दों के करे उसका दंगल में जाना कठिन काम है, कर गए जो सफर नाम कर गए अमर उनका किस्सा सुनाना कठिन काम है। साथी ऐसा ही नहीं सबसे पहले नारियों किसने पढ़ाया था, सबसे पहले नारी को महात्मा फुले ने पढ़ाया था और बुझे हुए दीप को फिर से जगाया था। तो माली के घर में एक सख्त हुआ तूफानी और एक रात एक बारात में एक बात हुई अनजानी। बाबा फुले के दिल और दिमाग में पड़ी परेशानी और शिक्षित यदि जे होते तो करते ना ऐसी गलतानी। जय जल का प्रभाव बदली मिशन भाव इनको रास्ता दिखाना कठिन काम है, कर गए जो सफर नाम कर गए अमर उनका किस्सा सुनाना कठिन काम है। साथियों बस मात्र एक पंक्ति कहूंगा कि ऐसे ही बाबा भीम दीन दुखियों के हकीम हुए और संविधान लेकर के बाबा धरती में लीन हुए। एक और लाख दुश्मन और एक और बाबा भीम हुए और चटा के धूल दुश्मन को सबके ऊपर आसीन हुए। बाबा कर गए सफर नाम कर गए अमर उनके कदमों पे चलना कठिन काम है, जो कर गए सफर नाम कर गए अमर उनका किस्सा के सुनाना कठिन काम है। साथियों मैं इसी बात को राम देता हूँ। जय भीम जय हूँ। बहुत ही जोशीले अंदाज में भगवती प्रसाद कदम परासर चलकर आए अपनी बात रखते हुए, निश्चित रूप से सच्चाई कही उन्होंने। अब वो समय आ गया जिसका आपको काफी लंबे समय से इंतजार था। मैं एक बार पुनः चलिए अच्छी बात है, बिना मुमन कोई आना नहीं चाहता इसलिए पूछा। ऐसे हमारे बीच में आए हुए आदरणीय शंभू सिंह जी काशीराम जी के ऊपर एक फिल्म के माध्यम से लोगों तक उनकी बात पहुंचाने का काम करने वाले ऐसे आदरणीय अर्जुन सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी पितातुल बुजुर्गण, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी पितातुल बुजुर्गण, नौजवान साथियों, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं बहनों और मीडिया के मित्रों। दरअसल शंभू सिंह जी मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और बताना चाहता हूं परेशानी हमारे भिंड के साथ ये रही कि जो आपने कहा कि समाज पीछे रहा पिछड़ा हुआ है और तरक्की नहीं कर पाया है, तो हमारे भिंड को दो तरीकों से पीछे की तरफ धकेला गया। आपने भी सुना होगा कि भिंड को हमेशा डकैतों के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो हमारा सकारात्मक पहलू है उसको ना तो बताया गया और ना ही उसके बारे में चर्चा की गई। आपने एक बात बहुत अच्छी कही, शिक्षा की। मैं अभी ये स्लोगन भी पढ़ रहा हूं कि अगर लड़ना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा। जब भिंड की बात आती है, जब मैं भी कहीं जब मैं पढ़ता था, अब तो थोड़ा बहुत सुधार है, तो लोग उसको डाकुओं से जोड़कर देखते थे और जब अभी भी बात चलती थी डाकू धीरे धीरे जब कम हुए
तो फिर ऐसा बदलने लगा कि भाई अब वहां तो नकल बहुत होती है, तो हम लोगों को बहुत चीजों से लड़ना पड़ रहा है, और धीरे धीरे लड़ते हुए अब स्थिति थोड़ी ठीक होती जा रही है। पहले तो हमको बदनाम किया जाता रहा, और लेकिन जो हमारा पहलू था आपको पता नहीं होगा, जो रानी लक्ष्मीबाई का 1857 रिवॉल्यूशन में जो रास्ता था जिस वे से वो गई थी, तो वो हमारे भिंड से ही होकर गई थी, और कई लोग भिंड के उनके साथ हुए थे, उनके साथ शहीद हुए थे, और इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ दिया था, लेकिन इस बात को कभी बताया नहीं गया। आज भी पंजाब के बाद, पंजाब स्टेट के बाद अगर आर्मी में सबसे ज्यादा लोग इसी क्षेत्र के हैं तो वो इसी क्षेत्र के हैं, इस बात को भी नहीं बताया गया। हमको षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, 15-20 साल पहले कहीं दिल्ली बॉम्बे में हम कहते थे भिंड के हैं तो वो खड़ा हो जाता था, अरे भाई आप तो डकैत हो। लेकिन हमारा जो ताकत है, जो हमारा सकारात्मक पहलू है, उस पहलू को कभी उजागर नहीं किया गया। इसमें सभी की गलती हो सकती है, नेताओं की भी गलती है, लेकिन षड्यंत्र किया गया। अभी मैं आपको और बताना चाहता हूं, कभी 3 साल पहले कलेक्टर महोदय आए थे, 2 साल पहले, मैं उनका जिक्र इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पर सभी वक्ताओं ने, और जो मुख्य बात भी है शिक्षा की, हमारा जिला वास्तव में नकल के नाम से बहुत बदनाम था। मतलब मुरैना तक के लोग, गुना तक के, सुपरी तक के लोग, और उत्तर प्रदेश जो हमारा क्षेत्र लगा हुआ है वहां तक के लोग अपने बच्चों का एडमिशन भिंड में आके कराते थे, और एक ही कारण होता था, मतलब स्कूल में कमरे हैं दो, अगर रजिस्टर देखेंगे तो बच्चे 1,000, सिर्फ एक ही कारण होता था कि यहाँ पर नकल होती थी और नकल से वो पास हो जाते, और बच्चे तो सभी जगह के पास होते थे, सभी को अपनी डिग्री मिलती थी, लेकिन बदनाम होता था सिर्फ भिंड कि भिंड में नकल होती, वहां जाके अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा दो, बच्चे दिलवा दो, पास हो जाएगा। लेकिन 3 साल से हमने इस कलंक को भी धो दिया है। पहली साल जब नकल को रोकने का पूरा प्रयत्न किया गया और नकल को रोका गया, तो निश्चित तौर पे जब आप कोई काम करेंगे तो बाधाएं आती हैं, तो रिजल्ट काफी प्रभावित होगा, बहुत कम रिजल्ट आया। लेकिन जो भी आया, जितने लोग भी पास हुए, आज वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा व्यापार कर रहा है। पहले क्या होता था, गधे घोड़े बराबर हो जाते थे, जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे उनको कोई पूछते ही नहीं था, क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भी 70-75% आ रहे हैं, और जो बेचारे पढ़ने वाले हैं उनके भी उतने ही आ रहे हैं, तो उनकी गिनती नहीं हो पाती थी। लेकिन जब ये नकल का कलंक धुला, तो जब अगली साल और निरंतर जब आगे वाले वर्षों में परीक्षाएं हुई, तो भिंड में शिक्षा का स्तर सुधरा भी, और यहाँ के बच्चे लगातार सिविल सर्विसेज में, फॉरेस्ट सर्विसेज में, इन सर्विसेज में, बैंक सर्विसेज में आगे आप बढ़ते भी जा रहे हैं, और नौकरी पा रहे हैं, और अपने जो काम बिजनेस करना चाहते हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी कलंक हमने बड़ी मुश्किल से धो पाया है। अभी भी परीक्षा होने वाली, हम लोगों ने कहा है प्रशासन से कि नकल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग भिंड में, तो मैंने बताया ना कि 2 तरीके से पिछड़े हैं, कि एक तो हम सामाजिक बुराइयां हैं, दूसरा राजनीतिक बुराइयां भी रही हैं, कि हमको कभी भिंड, अभी आप देखेंगे, आपने चूंकि आप कह रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में आए हैं आप, और भी अन्य जगह भी गए होंगे, पहले हम लोग कहते थे जब किसी अधिकारी का ट्रांसफर कराना होता था या कोई नाराजगी जाहिर करनी होती थी, तो हम उससे कहते थे छिंदवाड़ा भेजेंगे, लेकिन अब कोई नहीं कह रहा छिंदवाड़ा भेजेंगे, छिंदवाड़ा जाने को वो तैयार है, क्योंकि विकसित हो चुकी है। झाबुआ भेजेंगे तो झाबुआ बहुत विकसित हो चुका है, क्योंकि ट्राइबल इलाके थे, आदिवासियों वाले इलाके थे, तो सरकार ने उन पे बहुत बजट दिया और विकसित हो गए। हमारा भिंड ही कहीं ना कहीं मायने में आज भी पिछड़ा है,
और हम लोग उसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। ना तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, बहुत वर्षों पूर्व भिंड के साथ एक और षड्यंत्र हुआ था, यहाँ के यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया था मालनपुर। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।